जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की GS गुरु में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते बच्चों, क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का देश के विकास पर जो है क्या प्रभाव पड़ा, अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई, इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से यह किस प्रकार अलग थी, ये क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों पंचवर्षीय योजना होती क्या है। जो पंचवर्षीय योजना होती है वो 5 वर्ष को होती है, और पहली पंचवर्षीय योजना में सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये कृषि से संबंधित थी। सरकार ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कृषि पर ही व्यय किया, यानी कृषि पर ही लगाया। और आइए देखते हैं बच्चों इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखो जी, इसका समय था 1951 से 1956 ईस्वी में इसका समय था। यदि एक नंबर ही पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो हम लोग बताएंगे 1951 से 1956 में। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जुलाई 1951 में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अर्थशास्त्रियों, पत्रकारों और राजनेताओं के बीच जो है व्यापक विचार विमर्श हुआ। देश के प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री KN राज की राय यह थी कि भारत को बहुत तेजी से विकास करने की शीघ्रता से बचना चाहिए। तेजी से विकास करने की चाह में जो निर्णय लिए जाते हैं उससे जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है, संकट में पड़ जाती है। इसलिए कोई निर्णय जो है जल्दी से नहीं लेना चाहिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आकार अपेक्षाकृत छोटा था और इसका लक्ष्य देश के विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को जो है समाप्त करना था। विभाजन के कारण खाद्यान्न का संकट था। खाद्यान्न बच्चों वो यूरिया और DAP नहीं, खाद्यान्न मतलब खाने वाले से गेहूँ हो गया, चावल हो गया। देखो जब विभाजन हुआ था जैसे भारत और पाकिस्तान, विभाजन के कारण खाद्यान्न का संकट था तथा पटसन और रुई पैदा करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए थे। कहाँ चले गए थे बच्चों, पाकिस्तान में चले गए थे। इसलिए इस योजना में कृषि सिंचाई योजनाओं और बिजली परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता जो है दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निर्धारित जो है 2378 करोड़ में से लगभग 45% धनराशि कृषि सिंचाई योजनाओं और बिजली परियोजनाओं के लिए जो है रखी गई। यानी सरकार ने बच्चों ने बताया कि अत्यधिक पैसा जो है कृषि पर ही लगाया, तो बिजली परियोजनाओं के लिए रखी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल जैसी महान परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। योजनाकारों ने यह भी अनुभव किया कि कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार जो है आवश्यक है, यानी लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार आवश्यक है। इससे बिचौलियों यानी जमींदारों को जो है समाप्त किया जा सका, और जमींदारी जो है व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर जो है किसानों का स्वामित्व नहीं था, और भूमि के मालिक जो है जमींदार होते थे जो किसानों से को पट्टे पर जमीनें जो है दिया करते थे। और जमींदार प्रथा के उन्मूलन के बाद यही जो है जमीन प्रथा जमींदारी जो प्रथा थी बच्चों उसे समाप्त किया कर दिया गया। जमींदार मतलब जो जमींदार होते थे उनके बहुत ज़्यादा जो है खेत वगैरह होता था, तो किसानों को पट्टे पर जमीनें दिया करते थे। और जमींदार प्रथा को उन्मूलन के बाद यानी उन्मूलन में समाप्त करना, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद भूमि पर जो है किसानों का स्वामित्व स्थापित हो गया, अर्थात राज्य और किसान के बीच जो है सीधा संबंध स्थापित हो गया। ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए देश भर में सामुदायिक विकास योजनाएं आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत रेलवे और यातायात के अन्य साधनों के विकास के लिए 500 करोड़ की जो है धनराशि निर्धारित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि उत्पादन सिंचाई मूल्य स्थिरता बिजली और परिवहन सुधार पर जो है जोर दिया गया। यह योजना सफल सिद्ध हुई क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6% की दर से बढ़ोतरी हुई। भाखड़ा नागल, हीराकुंड और मंटूर बांध की जो है प्रमुख योजनाएं इस अवधि के दौरान आरंभ की गई थी बच्चों। हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है, महानदी पर जो है बनाया गया है। ये कहाँ है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में 11% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, और जो है 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी IIT संस्थान के प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में शुरू किया गया,
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों की जो है स्थापना की गई। यदि बच्चों पूछेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग संबंधित है। यानी सरकार ने अत्यधिक पैसा अपना जो है उद्योग धंधों में लगाया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारी उद्योगों की जो है स्थापना का प्रमुख लक्ष्य था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई के विकास पर प्रमुख रूप से जो है बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में 18% की जो है वृद्धि दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति उपभोग की दर 8% एवं विनियोग की दर जो है 2-3% रही। इस अवधि में 45 लाख अतिरिक्त लोगों को जो है रोजगार बच्चों प्रदान किया गया और 16 मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा का जो है विस्तार किया गया। और इस अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में 20% की जो है वृद्धि हुई और औद्योगिक उत्पादन में 8% की जो है वार्षिक वृद्धि दर अर्जित की गई। 380 जो है मील रेलवे लाइन बिछाई गई तथा 430 मील का जो है नवीकरण किया गया। तो बच्चों आप लोग समझिए कि पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किससे संबंधित थे, उद्योग धंधे से थी। बस यही अंतर था, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से और दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग से संबंधित था।